नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अबव द सेवन वंडर सीरीज के एक और एपिसोड में। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे अद्भुत वास्तुकला और शिल्प कला से निर्मित मंदिरों के बारे में। आज हम जानेंगे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बारे में, इसे मीनाक्षी सुंदरम टेम्पल भी कहते हैं। तो आइए देखते सबसे पहले इस मंदिर की संरचना एवं बनावट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर प्रांगण के सभी मुख्य द्वार दिखाए गए हैं। चारों तरफ से क्रमशः पूर्वी द्वार, उत्तरी द्वार, पश्चिमी द्वार और दक्षिणी द्वार। इसी के साथ ही मंदिर के गर्भगृह जाने के लिए चार और प्रवेश द्वार क्रमशः सभी मुख्य द्वारों के सामने बनाए गए हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बीचों बीच मीनाक्षी अम्मन माता का गर्भगृह है। और आइए अब सभी द्वारों में क्रमशः किसी एक के स्ट्रीट व्यू को देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये गर्भगृह का प्रथम प्रवेश द्वार है और इसके आप सभी कलाकृतियों को देख सकते हैं। किस तरह हमारे पुरातन काल में मंदिरों को कितनी सुसज्जित ढंग से बनाया जाता था और कितने शिल्पकार इसमें लगते थे और वो कितने प्रशिक्षित होते थे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। इसी के साथ यदि कुछ आप थोड़ा मुख्य द्वारों से हट के भी देखते हैं तो दूर से भी इन मंदिरों के दृश्यों को आप देख सकते हैं। क्रमशः ये एक दूसरे के प्रतिबिंब लगते हैं, मतलब आप चारों द्वारों में से कहीं कभी यदि स्ट्रीट व्यू देखते हैं तो आप दोनों में अंतर नहीं बता सकते कि ये किस द्वार का है। इसी के साथ ही एक और स्ट्रीट व्यू हम देखते हैं और यह मीनाक्षी अम्मन माता के दर्शन के लिए गर्भगृह में जाने के हेतु दूसरा प्रवेश द्वार है। और जैसा कि आपको कहा गया था कि आप किसी भी मुख्य प्रवेश द्वार में अंतर नहीं दिखा सकते, ये देखिए सभी की बनावट बिल्कुल एक समान रूप से की गई है, बिना किसी अंतर के, बिना किसी त्रुटि के आपको सभी द्वार एक जैसे ही दिखाई देंगे। अब हम मंदिर की भीतरी संरचना के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर के गर्भगृह का रास्ता है और इसमें सभी खंभों में जितनी भी कलाकृतियां हैं सभी को उस जमाने में तराश के बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कई सौ वर्ष पूर्व बनाए गए थे, अर्थात ये अति प्राचीन है। अब मंदिर के कुछ बाहरी दृश्यों की पिक्चर्स को देखते हैं, जिसमें से मंदिर की आंतरिक एवं बाहरी संरचनाओं को बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। और यह ड्रोन से लिया हुआ मंदिर की संरचना चित्र। आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस स्थान से जुड़ा एक ब्लॉगिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो भी जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।